मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हजारों की तादाद में छात्र हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। आपको बता दें कि छात्रों का आक्रोश देखते हुए भारी पुलिस बल यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात किया गया। हम लोग इस पक्ष में हैं कि जिस प्रकार से देश का विभाजन हुआ था, रातों रात कुछ ऐसे जो भारतीय थे, रातों रात वो कभी बांग्लादेश के हो गए, कभी पाकिस्तान के हो गए, इसी तरह से कई सालों तक 70 साल तक ये अटका रहा। जिस प्रकार से उन लोगों को देश में लाया जा रहा, विद्यार्थी परिषद इसके पूर्ण सपोर्ट में है। जैसे ही सीए भी आया, उसी तरह से वामपंथी जाग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये गलत है। ये किस प्रकार से गलत है वो एक पॉइंट इसका नहीं बता पा रहा, लेकिन विरोध में वो पथराव पुलिस वालों के ऊपर करते, लाइब्रेरी तोड़ते, क्लासरूम तोड़ते, विद्यार्थी परिषद इसका सपोर्ट करते हुए कि ऐसे कुछ देश के वहां पे देखते हैं कि जिस प्रकार से हिंदू उस टाइम पे भारत में 20% थे, 2% रह गए हैं, उन्हीं हिंदुओं की बचाने की उन्हीं। सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अचानक से थोड़ी लाया गया है, ऑर्डिनेंस पहले भी लाई गई थी, उसके बाद पार्लियामेंट में फिर लाया गया था, यानी कि और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का पार्ट था। मतलब पूरा भारत इस बिल के सपोर्ट में था, तभी नरेंद्र मोदी जी को दोबारा इलेक्ट करके सरकार में लाए, इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है। पूरा भारत उसका सपोर्ट करता है। और अगर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो मुसलमान हैं उन्हें सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं, इन्हें भी सिटीजनशिप मिलेगी जल्दी, क्योंकि अखंड भारत का सपना पूरा होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में मिलेंगे।